अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, कुछ सऊदी अरब कुछ यूरोप की खबरें आपके सामने रखूंगा। यूरोप के हवाले से अभी ये फाइनेंशियल टाइम्स ने एक कुछ आंकड़े पेश किए हैं कि ग्रोथ, लिविंग स्टैंडर्ड के ग्रोथ में इंग्लैंड यूके बहुत पीछे है और अलार्मिंग फिगर्स हैं। इंग्लैंड के लिए काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है इकोनॉमिकली, ख़ास तौर पे ब्रेग्जिट, रशिया यूक्रेन वार और इससे पहले कोविड, कंटिन्यूस ऐसे मामलात हुए जिससे कि इंग्लैंड की इकोनॉमी बहुत तबाह हुई है। अजीज दोस्तों, इंग्लैंड के मामलात में यहाँ के इस्लामाइजेशन और जो माइग्रेंट्स के मामले हैं वो भी ज़्यादा असर रखते हैं। देखें, दुनिया के कई देशों में इलीगल माइग्रेंट्स के लिए सज़ाएं रखी गई हैं। एक तो अजाइलम वाले हैं, जिनकी जेन्युइन अजाइलम है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके अजाइलम के क्वालिफाई नहीं करते वो अगर इलीगली किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो ये काबिले सज़ा जुर्म है। रशिया में 2 साल के लिए लेबर कैंप में डाल दिया जाता है इलीगल माइग्रेंट्स को। पाकिस्तान में सज़ाएँ हैं जेल की, इंडिया में सज़ाएं हैं जेल की अगर पकड़े जाएं। वैसे तो आधार कार्ड ये वो बना के रह रहे होते हैं। और नॉर्थ कोरिया में तो सज़ाए मौत भी इलीगल माइग्रेंट्स को दी जाने का मिसालें मौजूद हैं। अजीज दोस्तों, एक मुस्लिम ब्रिटिश ने एक ऐसी बात की है जिससे कि हमें भी हैरान है। खैर, यहाँ पे हैं कुछ मुसलमान हैं जो कि वायलेंट इस्लाम के खिलाफ हैं और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं। उन्होंने ये कहा, I am Muslim, but I am against Islamism. Save Britain from Islamism, fascism and terrorism. The people of Britain, they had enough. They are not going to let these fascist, terrorist, Islamists impose their ideology to our children. If you come from other country here, you have to integrate here. You have to accept the culture. You cannot come here and stand against this culture and blatantly shouting, we are coming to take over. They are proud of having 6-7 children and our government paying for their children. We have to shut down our border for at least 7 to 10 years. And clean the country from inside, from this fascism, from this Islamism. I am saying this as a... अब ये है कि यहाँ पे देखें, हम किसी धर्म के खिलाफ किसी मज़हब के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये जो गलत कार्यां करते हैं ना, एक तो बेनिफिट लेते हैं लीगल गलत कार्यां कि जॉब नहीं करनी, 5 टाइम नमाज पढ़ना है ना, तो फिर टाइम नहीं होता, मस्जिद में बैठना होता है, बीवी की चौकीदारी करनी होती है, बेटी की चौकीदारी करनी होती है, मुफ्त का खाना होता है, या इलीगल जॉब कर रहे होते हैं, ऊबर चला रहे होते हैं, किसी दूसरे दोस्त के नाम के बैंक अकाउंट में पैसे ऊबर के लगते हैं, ये जॉबलेस रहते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं यहाँ पे जिनको घर के लिए बैंक से लोन लेनी होती है या नेशनलिटी लेने के लिए यहाँ पे अपनी जॉब दिखानी होती है, लेकिन वो जॉब करना नहीं चाहते, वो कहीं अच्छी जॉब कर रहे होते हैं ब्लैक में, तो वो क्या करते हैं कि अपने नाम पे ऊबर का वो करवा के किसी को भी पाकिस्तानी को कहते हैं तुम चलाओ, तो ऑफिशियली वो उस आदमी के नाम पे होता है जॉब का, ऊबर का पैसा, और इस तरह आप अपनी इनकम शो करते हैं और टैक्स पेयर बनते हैं, और आपको जो भी मकसद है लोन लेना या नेशनलिटी लेना, ये सब चीज़ें, वर्क वीज़ा बढ़ाना, तो वो उस आदमी का पर्पस सर्व हो जाता है, और ये मुफ्त में ब्लैक में काम करके पैसा कमा रहा होता है ऊबर चलाने वाला, और सरकार से बेनिफिट ले रहा होता है। इसके अलावा जो ग्रूमिंग गैंग का मामला है, अब ये सारा है बेचारी, इसकी बहन को ग्रूम किया गया था कई साल तक, उसका बलात्कार हुआ, उसके बिजनेस किया, उसका सब कुछ किया, और फिर उसके बाद मर गई वो।
तो ये अभी कौंसिल की मीटिंग में बिचारी अपना दर्द बयान कर रही थी। और ये जितने इस्लामिस्ट होते हैं ना, हिपोक्रेट्स होते हैं। ये एक यूट्यूबर है जो कुरान की तिलावत कर रहा था बातू की जो गुफाएं हैं, जो गार हैं बातू की, उसकी कुरान की तिलावतें कर रहा था भगवान मुरुगा के पुतले के सामने। अब इसको सेक्सुअल मिसकंडक्ट के उसमें अदालत से नेदरलैंड हॉलैंड में सज़ा हुई है। अजीज़ दोस्तों, यूरोप में आपको पता है कि फ्रांस, अभी जो यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे उसमें एक्सट्रीम राइट ने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की। फ्रांस में पूरा चांस है, हालांकि फ्रांस के दो इलेक्शन होते हैं, फ्रांस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जैसे अमेरिका का है। प्रेसिडेंट इज स्ट्रॉन्ग, सारे फैसले प्रेसिडेंट करता है, लेकिन एक पार्लियामेंट भी होती है, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर भी होता है। वो इतना पावरफुल नहीं होता, लेकिन आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट से बड़े बड़े फैसले पास कराने होते हैं। पार्लियामेंट डिसॉल्व करती है प्रेसिडेंट मैक्रोन ने यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद। अब नई पार्लियामेंट, नए प्राइम मिनिस्टर के लिए इसी साल इलेक्शन होंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2027 में। तो प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन 2027 तक तो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट एक्सट्रीम राइट के कंट्रोल में चली गई तो प्रेसिडेंट के लिए फैसले करना मुश्किल होगा। पार्लियामेंट भी प्रेसिडेंट को कई चीज़ें करने पर मजबूर कर सकती है। यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन में विक्ट्री के बाद फ्रांस की नेशनल रैली, जो कि एक्सट्रीम राइट की पार्टी है, उसने अभी उसकी प्रेसिडेंट जो हैं मैरिन लोपेन, मैं पहले बता चुका हूँ कि मैरिन लोपेन के फादर थे जो-मार्की लोपेन। जो-मार्की लोपेन ने ये, इसका उस वक्त नाम था फ्रों नेशनल, नेशनल फ्रंट, लेकिन अब नेशनल रैली हो गई है। जो-मार्की लोपेन भी इसी तरह उस ज़माने में विजनरी था, उसने देख लिया था कि ये इस्लामाइजेशन और ये सब चीज़ें कितनी ख़तरनाक हैं फ्रेंच सोसाइटी के लिए, तो वो एंटी इस्लाम मशहूर हो गया था। लेकिन ये हुआ कि वो इलेक्शन पॉलिटिक्स में इतना कामयाब नहीं हुआ। 96 के इलेक्शन में जब मैंने पहली बार, 96 या 97 के इलेक्शन में मैंने पहली बार फ्रेंच इलेक्शन में वोट डाला था बेल्जियम से, तो उस वक्त मैंने एक हंगामा मच गया था कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं कि 50% अगर पहले मरहल में किसी ने ले लिया ना, एक कैंडिडेट ने, तो वो प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन अगर किसी भी कैंडिडेट को 50% नहीं मिले तो जो टॉप के दो कंटेंडर होते हैं उनके दरमियान फिर सेकंड राउंड होता है। तो सेकंड नंबर पे आया था जो-मार्की लोपेन उस वक्त, और फर्स्ट पे जैक शिराक था, लेकिन उसके 50% वोट नहीं थे। तो उस वक्त हंगामा मच गया था, कब है जो-मार्की लोपेन का रोको। तो हम भी उस वक्त लेफ्ट का दिमाग था, ज़ाहिर नए नए आए थे यूरोप में, और जहन हमारा वही था कम्युनिस्ट का, जो हमारे जहन में भी एक चीज़ थी और समझ में चीज़ें इतनी नहीं थी। तो हम भी उसमें आगे कर रहे हैं, जो-मार्की लोपेन को रोकना है। इवन फ्रांस में जो दो मेन पार्टियां हैं, जैसे अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन है, इंग्लैंड में कंजर्वेटिव और लेबर है, इसी तरह फ्रांस में भी सोशलिस्ट और ये सेंटर राइट की पार्टी है। तो जैक शिराक और सोशलिस्ट दोनों मिल गए थे जो-मार्की लोपेन को हराने, तो फिर भी जैक शिराक ने 81% वोट लेके जीता था फिर। लेकिन इसके बाद इसकी बेटी ने जब ये ली है लीड, तो अब वो पार्टी को लेकर चल रही है और इस वक्त इसने हिला के रख दिया है। अभी इलेक्शन जीतने के बाद, यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन जीतने के बाद इसने ये स्पीच की है जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा भाई है। उसमें इसने हकीकतें बताई हैं, वो किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, वो गलत कार्यों के ख़िलाफ़ है। वो कहती है कि मैं विस्डम की उम्मीद करती हूँ और आपकी गुड सेंस की, ताकि फ्रांस में अच्छा रहे। फ्रांस के लिए एक रीज़न बताओ, एक रीज़न कि यहाँ पे जो वो फॉरेनर जो बाहर के टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी के साथ हैं, वो फ्रांस को मरता हुआ देखना चाहते हैं, वो फ्रांस के लिए ज़रूरी हैं क्या? उनकी फ्रांस को ज़रूरत नहीं है हमें। वो बाय नेशनल, दो डबल नेशनल जिनके पास फ्रेंच नेशनलिटी है, वो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को अगर वो करते हैं तो मैं उनकी नेशनलिटी वापस लेकर उनको भगा दूंगी। फ्रेंच आइडियोलॉजी को आप एडॉप्ट करोगे वरना अदालत आपको सज़ा देगी, कानून आपको सज़ा देगी। हमारे यहाँ कानून एग्जिस्ट करता है, और मैं
अगर मैं प्रेसिडेंट बन गई तो मैं ऐसे कानून बनाऊंगी बगैर किसी कमजोरी के, जिससे मैं फ्रेंच अथॉरिटी को कायम कर सकूं और फ्रेंच लॉ को स्ट्रॉन्ग कर सकूं। सब फिर नारे लगा रहे थे, जो मारिन लोपेन प्रेसिडेंट, मारिन प्रेसिडेंट, मारिन प्रेसिडेंट नारे लगा रहे थे। और फिर उसमें उसने आगे ये कहा कि देखें, कुछ हफ्तों में फ्रांस में एक नए इलेक्शन होने वाले हैं, इसके लिए मैं आपको कहती हूँ कि आप शेल्टर्ड रहें और मस्जिदें जो ख़तरनाक हैं उनको मैं बंद कर दूंगी, मैं उन मुल्लाओं को डिपोर्ट कर दूंगी, उन ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म कर दूंगी जो सलफ़ी और मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे कायम हैं। मेरे साथ अगर यकीन रखिएगा कि मैं औरतों के राइट्स, जो कि इस वक्त चैलेंज हैं ख़ासतौर पर इस्लामिक अथॉरिटी के साथ साथ मिल के, उनको राइट्स दूंगी इन औरतों को जो फ्रांस में रहती हैं। मेरे साथ आप सिक्योरिटी को यकीनी मानिए, मैं लिबर्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ किसी भी सूरत में, और ऑनेस्ट लोगों के साथ लिबर्टी को कायम करूँगी। इस स्पीच ने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया है, और इस वक्त यूरोपियंस की यही दिल की आवाज़ है। टिम रॉबिन्सन ने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया, खैर्त विल्डर्स ने हॉलैंड में करके दिखा दिया, जॉर्जो मेलोनी ने इटली में करके दिखा दिया, जर्मनी में इस वक्त बिल्कुल ये लोग राइज पे हैं। और मैं माइग्रेंट हूँ, और इन लोगों में से किसी ने माइग्रेंट के ख़िलाफ़ बात नहीं की। आप गलत काम करते हैं कि इस्लाम इस्लाम कर रहे हैं, किसी ने हिंदू के ख़िलाफ़ क्यों बात नहीं की? इसलिए कि कभी किसी ने हिंदू ने छुरा पकड़ के जय श्री राम का नारा लगा के किसी का गला इधर नहीं काटा, कभी हिंदू यहाँ पे टेबल लगा के तबलीग नहीं कर रहे होते गीता रख के। ये वो ओपन मंदिर है, जिसको जाना है जाए। हरे रामा हरे कृष्णा के फॉलोअर्स कई गोरे हैं, लेकिन उनको सड़कों पे किसी ने तबलीग नहीं की। तो क्यों हिंदू के खिलाफ बात नहीं कर रहे, क्यों सिखों के खिलाफ बात नहीं कर रहे, क्यों बुद्धिस्टों के खिलाफ बात नहीं कर रहे? फिर यहाँ पे फिरके भी तो होते हैं ना, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, एक दूसरे के फिरके के खिलाफ बात नहीं करते, जैसे इस्लाम में शिया सुन्नी एक दूसरे के खिलाफ वो करते हैं। क्यों नहीं करते ये लोग? इसलिए कि इनको पता है कि एक ही धर्म के मानने वाले लोग हैं जो यहाँ पे खराबियाँ पैदा करते हैं, और इसके लिए ये इसके बारे में बात करते हैं। दूसरी बात अजीज़ दोस्तों मैं करूँगा, ज़रा सऊदी अरब के हवाले से आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ 50 साल पहले एक एग्रीमेंट किया था। जब 1973 की अरब इज़राइल वार हुई थी और सऊदी अरब में किंग फैसल थे, और आरामको अरबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी ने जो पेट्रोल निकालता था सऊदी अरब से, उसने मेजर शेयर अमेरिका ले जाता था और सऊदियों को कम मिलता था। शाह फैसल से पहले उसके बड़े भाई शाह सऊद, किंग अब्दुल अज़ीज़, ये लोग रेगिस्तानों में रहते थे, इनको महल बना के दे दिए और इनको खर्चा पानी दे देते थे, ये अय्याशियों से रहते थे, आम सऊदी को उसका फ़ायदा नहीं था, और सारी दौलत लूट के अमेरिका ले के जाता था। और फिर अरब इज़राइल वार हुई 1973 की, तो किंग फैसल ने और अरब लीडर्स ने, जो कतर कुवैत वगैरह के जत्थे, उन्होंने भी पेट्रोल पे इम्बार्को लगा दिया ना, तो अमेरिका को बत्ती जली। और फिर अरब इज़राइल वार के बाद किंग फैसल ने कहा कि आओ बैठो वापस एक एग्रीमेंट करते हैं आरामको के हवाले से, हमारी दौलत है, मेजर शेयर हमें चाहिए। तो फिर उस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें डील डॉलर में हुई थी। ज़ाहिर है उस वक्त सऊदी अरब बहुत ही अभी प्रोग्रेस शुरू भी नहीं हुई थी सही मानों में, क्योंकि मैं तो उस ज़माने में 73 में मैं करा सऊदी अरब में ही था। ठीक है, छोटी उम्र थी मेरी, 9 साल उम्र थी, लेकिन मेरे फादर वहाँ पे काम करते थे और हम सऊदी अरब में ही थे। पाकिस्तान से इंडिया से उस वक्त भी वो काफ़ी डेवलप्ड था, सड़कें, लाइफ स्टाइल, ये वो, लेकिन स्टिल हमें सऊदी टैक्सी ड्राइवर नज़र आते थे, ज़्यादातर टैक्सी ड्राइवर सऊदी होते थे। सऊदियों में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब क्लास मौजूद थी। शाह फैसल ने तरक्की का जो सफ़र शुरू किया वो एग्रीमेंट 50 साल का था, वो ख़त्म हो गया। अब जून के महीने में वो एग्रीमेंट ख़त्म हुआ है, तो सऊदी अरब ने उस एग्रीमेंट को बढ़ाने का मना किया है। उन्होंने कहा है अब हम डॉलर में डील नहीं करेंगे,
अब हम चाइना से डील करेंगे तो चाइना की करेंसी में करेंगे, रशिया से डील करेंगे रशिया की करेंसी में, इंडिया से डील करेंगे इंडिया की करेंसी में, किसी भी मुल्कों से हम डील करेंगे हम अपनी करेंसी में करेंगे या उनकी करेंसी में। अब डॉलर की हमारी मोहताजी ख़त्म हो गई। ये अमेरिका के लिए एक अलार्मिंग मामला था, क्योंकि डॉलर की हेजेमनी पे अमेरिका की इकोनॉमी खेलती है, पूरी दुनिया में डॉलर की हेजेमनी होती थी। अब यह है कि ब्रिक्स में भी ये ऐलान हो गया था कि ब्रिक्स भी अब डॉलर में डील नहीं करेंगे। ब्रिक्स के जो कंट्रीज़ हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, और एक नई ब्रिक्स करेंसी आएगी इस साल, जो ब्रिक्स की एनुअल समिट होगी उसमें नई करेंसी लाई जाएगी और उसमें डील होगी। तो इतनी बड़ी ह्यूज इकोनॉमीज जो हैं, चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील और साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, उनकी डील अब डॉलर में नहीं होगी। फिर रशिया ने डॉलर के सारे एग्रीमेंट ख़त्म कर दिए और रशिया ने कहा कि अब आइंदा से हम कोई भी चीज़ डॉलर में डील नहीं करेंगे। इन सारे मामलों से डॉलर बहुत वीक हो गया है। अजीज दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में एक, अमेरिका ने सऊदी अरब पे ख़तरनाक हथियारों की सेल पे पाबंदी लगाई हुई थी, वो अमेरिका ने अब हटा दी है वो पाबंदी, और अब सऊदी अरब अमेरिका से वो हथियार ख़रीद सकता है और दुनिया में कहीं से भी ख़रीद सकता है। इसके अलावा एक नया एग्रीमेंट सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान होने वाला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ट्रीटी तकरीबन फाइनलाइज कर ली है, जिससे सऊदी अरब को अमेरिका मदद करेगा उसकी सिक्योरिटी के हवाले से, उसके डिफेंस के हवाले से, और डिप्लोमेटिक रिलेशन रियाद और इसराइल यानी सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान जल्द अज जल्द कराने के लिए कोशिश की जाएगी। तो ये एक नया सऊदी अरब भी आपके सामने इकोनॉमिकली पॉलिटिकली दुनिया के सामने आ रहा है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।